नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं शुभकर्ण, सहायक आचार्य EFM। आज हम BCOM पार्ट प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए EFM पेपर सेकंड यूनिट संख्या प्रथम में भारतीय बैंकिंग एवं वित्तीय व्यवस्था इंडियन बैंकिंग फाइनेंशियल सिस्टम के अंतर्गत आज महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन करेंगे कि बैंक क्या है और बैंकों का चिट्ठा किस प्रकार बनाया जाता है, या फिर वाणिज्यिक बैंकों की संपत्तियों और दायित्वों का प्रबंध किस प्रकार होता है। वाणिज्यिक बैंकों का संपत्तियों एवं दायित्वों का प्रबंध, ये चैप्टर है। संपत्तियों दायित्वों का प्रबंध किस प्रकार से होता है, आज हम अध्ययन करेंगे। बैंक क्या है, जैसा कि मैंने आपको पूर्व के वीडियो क्लास में बताया था कि बैंक क्या है। बैंक का जब हम चिट्ठा बैलेंस शीट जब हम तैयार करते हैं तो लायबिलिटी साइड कौन सी मदें लिखते हैं और असेट साइड कौन सी मदें लिखते हैं, ये प्रश्न अधिकतर पूछते हैं कि बैंकिंग कंपनियों के चिट्ठे के विभिन्न मदों का विश्लेषण कीजिए। बैंकिंग कंपनियों के चिट्ठे के विभिन्न मदों को समझाइए, या विभिन्न मदों का विश्लेषण कीजिए, यह प्रश्न है। इसका हम आज अध्ययन करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है कि बैंकिंग कंपनियां जो हैं या बैंक हैं वो किस प्रकार से बैलेंस शीट बनाती हैं, कौन से रूल्स व रेगुलेशन के आधार पे बैलेंस शीट तैयार करती हैं। जैसा कि आपको पता है कि बैंकिंग कंपनियों में भी लेन देन होते रहते हैं। जो लेन देन होते हैं मुख्यतया दोहरा लेखा प्रणाली पे, इसके भूमिका की बात करें दोहरा लेखा प्रणाली, ड्यूल अकाउंटिंग सिस्टम के आधार पे बैंकिंग कंपनियां अपना चिट्ठा तैयार करती हैं। इसमें ड्यूअल सिस्टम होता है जिसमें डेबिट क्रेडिट, दोहरा लेखा प्रणाली का जनक जैसा कि आपने पढ़ा लुकास पेशियोली ने दोहरा लेखा प्रणाली का गठन किया, या दोहरा लेखा प्रणाली का जनक माना जाता है, जो कि एक अकाउंटिंग अवधारणा है और लेखा जोखा करने के लिए दोहरा लेखा प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब हम अकाउंटिंग या बैलेंस शीट तैयार करते हैं तो अपना एंडिंग ईयर 31 मार्च होता है। जैसे लिखते हैं राम एंड श्याम बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000, जो भी है 31 मार्च को अपन हम बैलेंस शीट तैयार करते हैं। कहने का मतलब ये असेसमेंट ईयर के लास्ट ईयर में अपन बैलेंस शीट तैयार करते हैं। भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम, जैसा कि मैंने आपको पूर्व बताया, भारतीय बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 के तहत, इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के तहत उसकी धारा सेक्शन 29 के तहत फोरम संख्या
ए में वाणिज्यिक बैंकिंग बैंकों की संपत्तियों दायित्वों का एक चिट्ठे के रूप में फॉर्म संख्या ए में प्रदर्शित करते हैं। जब बैंकिंग कंपनियां अपना जब चिट्ठा तैयार करती हैं तो इंडियन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 की धारा 29 के तहत फॉर्म संख्या ए में निर्धारित प्रारूप के आधार पर अपनी चिट्ठा या अपना बैलेंस शीट तैयार करती है। उसमें मुख्यतया विभिन्न मदे हैं जिसमें लायबिलिटीज़ और असेट्स हैं, उनका हम अध्ययन करेंगे कि लायबिलिटीज़ में या लायबिलिटीज़ मद में कौन कौन सी मदे आती हैं, जिसमें अपन पहले लायबिलिटीज़ लेते हैं, दायित्व हैं। लायबिलिटीज़ को हम दायित्व भी कहते हैं। एक ले लेंगे अपन असेट्स, वो असेट्स का भी अध्ययन करेंगे कौन कौन से असेट्स दो बैलेंस शीट के तहत बैंकिंग कंपनियां तैयार करती हैं। पहली कैपिटल, कैपिटल आती हैं पूंजी, विभिन्न प्रकार की होती हैं जो छोटे छोटे भागों में विभाजित होती हैं, इसे पूंजी भी कहते हैं, जो कि लायबिलिटी साइड में अपन दिखाते हैं। पूंजी में मुख्यतः ऑथोराइज्ड कैपिटल आती है, अधिकृत पूंजी, ऑथोराइज्ड कैपिटल अधिकृत पूंजी होती है जो एक कंपनी की महत्वपूर्ण पूंजी के सम रहती है। एक इश्यूज कैपिटल, निर्गमित पूंजी भी कहते हैं इसे अपन, इश्यूज कैपिटल, निर्गमित पूंजी इसे बोलते हैं अधिकृत पूंजी। अपने जीवन काल में ऑथोराइज्ड कैपिटल के अंतर्गत इशू करती हैं जो इशू कंपनी इशूज होती हैं। सब्सक्राइब कैपिटल, सब्सक्राइब कैपिटल भी एक बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड, इसे बोलते हैं पार्थित पूंजी। क्या बोलते हैं? पार्थित पूंजी। और भी विभिन्न पे है, कॉलअप कैपिटल जिसे बोलते हैं कॉलअप, पेडअप कैपिटल, कॉलअप कैपिटल, पेडअप कैपिटल, ये प्रकार की पूंजियां हैं जो कि लायबिलिटीज साइड इसको अपन दिखाते हैं। मुख्यतया ये पूंजी होती हैं जो कि एसेट साइड लायबिलिटी साइड इसका क्रियान्वयन करती हैं। और भी विभिन्न प्रकार के फंड और रिजर्व सम्मिलित हैं, उनको भी हम लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, जिसमें प्रथम है रिजर्व फंड या अदर रिजर्व। संचित कोष होता है जो कि आवश्यकता पड़ने पर इस फंड का यूज़ में लिया जाता है। अगला जनरल रिजर्व है, इसमें भी रिजर्व्स आते हैं, जनरल रिजर्व सामान्य रिजर्व है, उसको भी हम लायबिलिटी साइड दिखाते हैं, ये भी एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करते हैं। आगे स्टेटूटरी रिजर्व है, कंटिजेंसी रिजर्व है, और कंटिजेंसी रिजर्व, रिजर्व को भी अपन असेट लायबिलिटी साइड अपन इसमें दिखाते हैं। और आती है इसमें डिपॉजिट्स, जो जमा पूंजी है इनको भी अपन लिख दें। डिपॉजिट्स में लोन है, बीआर है, ये सम्मिलित हैं, लोन, बिल्स रिसीवेबल, और भी विभिन्न प्रकार की डिपॉजिट्स को इसमें क्रियान्वित करते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, कंटिजेंसी लायबिलिटीज़ हैं, पी एंड एल अकाउंट है, कंटिजेंसी लायबिलिटीज़ है। तो और भी विभिन्न प्रकार की मदे हैं जो कि अपन लायबिलिटी साइड में दिखाते हैं जब बैंकिंग कंपनी अपनी चिट्ठा जब तैयार किया जाता है। आगे इसी क्रम में हम लायबिलिटीज़ की अपन अध्ययन करें कि संपत्ति और दायित्वों का जब मैनेजमेंट कर ले हैं, ये तो लायबिलिटीज़ आ गई, सॉरी अब असेट्स की हम बात करें कि बैंकिंग कंपनी की संपत्तियाँ कौन कौन सी होती हैं। असेट्स में मुख्यतया है कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और भी विभिन्न प्रकार के जैसे इन्वेस्टमेंट,
विनियोग, अपनी बचत राशि के अतिरिक्त जो राशि होती है वो विनियोग कहलाती है। एडवांस एंड लोन, ये भी अपना एसेट्स है। बिल्स, डिस्काउंटेड और बीआर, बिल्स रिसीवेबल और मनी एट कॉल शॉर्ट नोटिस। करेंट एसेट्स, जितनी भी चालू संपत्तियां हैं, तो ये अपनी लायबिलिटीज़ और एसेट्स सम्मिलित होती हैं। जब इसका हम चिट्ठा तैयार करते हैं तो निर्धारित शेड्यूल के आधार पे इसको तैयार करते हैं। जब अपनी बैलेंस शीट इसको बनाते हैं तो पहले तो लिखते हैं, इसमें थोड़ा सा प्रारूप अलग है, पर्टिकुलर्स। पर्टिकुलर्स में प्रथम हम लिखेंगे लायबिलिटीज़, जैसा कि मैंने आपको ये मदे बताया। इसमें भी शेड्यूल लगता है कि कौन से शेड्यूल में इसका उल्लेख किया गया है। शेड्यूल नंबर लायबिलिटीज़ में शेड्यूल आ जाएगा 1, 2, 3, 4। इसके अनुसार, इसके अकॉर्डिंग के आधार पे इसको तैयार करते हैं शेड्यूल। फिर बाद में एज ऑन 31 मार्च 2020 ये, फिर एज प्रीवियसली कंटिजेंसी, तो इस आधार पे इसको अपन तैयार करते हैं बैलेंस शीट को। तो ये भारतीय बैंकिंग प्रणाली के तहत या फिर वाणिज्य बैंक अपने संपत्तियों दायित्वों का इस प्रकार से लेखा जोखा करते हैं। तो ये है, एक बार इसको पुनः हम देखें कि वाणिज्य बैंक अपने संपत्तियों व दायित्वों का लेखा किस प्रकार से करते हैं। तो मैंने आपको बताया कि दोहरा लेखा प्रणाली पर, जो दोहरा लेखा प्रणाली के जनक कौन है, लुकास पेसियोली हैं, वो करते हैं। तो 31 मार्च 2000 को या 31 मार्च के अंदर ही इसको खाते का क्रियान्वयन किया जाता है। और फॉर्म संख्या ए के तहत बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949, जैसा कि मैंने आपको बताया 1949 की धारा के तहत फॉर्म संख्या ए में इसको अपन डिफाइन किया गया है। फॉर्म संख्या ए के तहत ये तैयार किया जाता है। जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो यहाँ पर अपन लिखते हैं फॉर्म नंबर ए या फॉर्म नंबर जो भी, सेक्शन 29 के तहत। तो इस प्रकार वाणिज्य बैंक अपने संपत्तियों और दायित्वों का लेखा आसानी से कर सकते हैं। जो असेट्स और लायबिलिटी साइड होते हैं, विभिन्न शेड्यूल्स के तहत इनको तैयार किया जाता है। उनको शेड्यूल वाइज नंबर दे दिया जाता है, लायबिलिटीज़, फिर असेट्स, असेट साइड जो असेट्स की जो मदें हैं वो लिख दी जाती हैं, फिर उसके आधार पे ये चिट्ठा तैयार करके प्रकाशित करती हैं। तो ये अपने वाणिज्य बैंकों की संपत्तियों दायित्वों का प्रबंध इस प्रकार से किया जाता है, जिसमें दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पे इसको तैयार किया जाता है। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, उसके तहत ये तैयार करते हैं। और फॉर्म संख्या ए के तहत शेड्यूल वाइज इसको तैयार किया जाता है। तो ये वाणिज्यिक बैंकों की संपत्तियों दायित्वों का प्रबंध आसानी से किया जा सकता है। इस प्रकार भारतीय बैंकिंग प्रणाली के अंतर्गत आसानी से वाणिज्यिक बैंक अपने महत्वपूर्ण बातों को ध्यान में रखते हुए संपत्ति और दायित्वों का लेखा कर सकते हैं। तो इस आधार पे आसानी से बैलेंस शीट भी तैयार की जा सकती है, क्योंकि बिना रूल्स रेगुलेशन के तहत बैलेंस शीट का निर्माण नहीं होता, बैलेंस शीट नहीं बनाई जाती है। तो आसानी से अपने रूल्स के तहत वो तैयार करती हैं। इसमें लायबिलिटीज़ और असेट्स का योग बराबर होता है, जिससे ये पता चल जाता है कि वाकई में बैलेंस शीट सही है। जैसा कि आपके पूर्व क्लास में भी आप तैयार करते हैं, ट्रेडिंग P&L के आधार पर बैलेंस शीट का निर्माण किया जाता है। और बैलेंस शीट जब हम बनाते हैं तो मुख्य रूप से, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे भारतीय रिजर्व बैंक, जो कि चैप्टर संख्या 4 है, उसमें बहुत ही आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि ये इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है, क्योंकि कई बार एग्ज़ामों में पूछ लेते हैं आपके एग्ज़ाम में। तो रिजर्व बैंक से संबंधित प्रश्न आता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की हम बात करें कि रिजर्व बैंक की स्थापना क्यों हुई, उसके उद्देश्य व संगठन का वर्णन कीजिए, रिजर्व बैंक के क्या क्या कार्य हैं,
रिजर्व बैंक की साख निर्माण किस प्रकार से किया जाता है, रिजर्व बैंक की क्या सफलताएं हैं, क्या विफलताएं हैं, उनका विस्तृत एवं सारगर्भित अध्ययन करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।